हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं अंशुपा लेक, जो कि कटक डिस्ट्रिक्ट में आता है, और हम निकल चुके हैं भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन से। मास्टर कैंटीन से आपको अप्रोक्स 62 किलोमीटर आएगा, जो कि हमें गूगल मैप दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको 1.34 आवर्स लगेगा वहाँ पे जाने के लिए। तो हम मॉर्निंग के 6 बजे से भुवनेश्वर से निकल चुके हैं, और हमें अप्रोक्स वहाँ पे पहुँचने के 7:30 बज जाएंगे। तो मॉर्निंग में तो व्यू हमेशा अच्छा ही रहता है, और हम मतलब गूगल में सर्च करके देखे थे कि वहाँ का व्यू कैसा है। अच्छा तो है, लेक के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, पार्क है और वो बोटिंग करने के लिए भी जगह है। तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें वहाँ पे है, चलते हैं वहाँ पे ही देखते हैं जाकर। और हम आपको रूट बताएं तो हम अभी नंदनकानन और बारंग रूट लेके यहाँ पे आए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर जगह अच्छा लगे तो वहाँ पे जरूर जाइए। तो चलते हैं वहीं पे जाके देखते हैं और व्यू को एंजॉय करते हैं। राइट लेना है हम सुबह के लिए। लेक 2 किलोमीटर मतलब ऊपर जो बोर्ड लगा है वहां से कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, अच्छे से देख लीजिए। अंशुपा लेक 2 किलोमीटर अभी हम पार्किंग में थे और अभी यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे आपको टिकट काउंटर है, यहाँ पे आपका टिकट मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम वहाँ से एंट्री करेंगे सीधे, जो अंशुपा प्रकृति उद्यान लिखा है वहाँ से जाएंगे। तो अभी हम ले लेते हैं टिकट। अभी हम ले लिए हैं टिकट। टिकट में आपको पर पर्सन 20 रुपीज, और आप कार लेके आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग के लिए 30 रुपीज देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अभी एंट्री करेंगे वे टू पार्क। यहाँ पे पेड़ जैसा डिजाइन में ऊपर लिखा है अंशुपा प्रकृति उद्यान, उद्यान मतलब पार्क। एंट्री गेट टिकट काउंटर वहाँ पे है। अभी हम वहाँ से आए हैं, अभी हम जाएंगे बोटिंग प्लेस, कैफेटेरिया, चिल्ड्रेंस पार्क और टॉयलेट जिसको चाहिए हो जाएगा। चेयर जैसा, मतलब वुडन चेयर जैसा बनाया गया है, वहाँ पे हम अभी बैठे हैं। और अभी बज रहा है 8:30, और इतना धूप है कि आपको लगेगा ऑलमोस्ट 1-2 बज गए हैं, इतना धूप। तो इसीलिए हम इतने जल्दी आए, फिर भी बहुत ज़्यादा ही धूप है, तो क्या करें, चलते हैं। Thank you.
यहाँ से आपको लेक का व्यू दिख रहा होगा। इसको हॉर्स शू शेप लेक भी बोलते हैं, मतलब अश्वखुराकृति ह्रद उड़िया रे। सो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अभी, तो वहाँ उस साइड भी हम जाएंगे जहाँ पे बोटिंग करते हैं, पर यहाँ पे हम आए हैं क्योंकि यहाँ पे सब मछुआरे अभी मछली पकड़ने के लिए निकल रहे हैं पीछे, तो वहाँ पे बोटिंग हो रहा है। पर अभी हम जल्दी आ गए हैं तो बोटिंग अभी चालू नहीं हुआ है, चालू होगा तो वहाँ पे भी जाएंगे। सो ये यहाँ का मॉनिटरिंग सेंटर है, मतलब सारे चीजें यहाँ से ही मॉनिटर होते हैं। आगे हैं बोटिंग एरिया पर ये अभी बंद है, मुझे पता नहीं क्यों बंद है। यहाँ पे एक जगह है बांबू से बनाया गया है, तो वहाँ पे आप बैठकर सारा नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा जगह है। पर अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है तो अभी हम आगे जाएंगे। तो एक देखा होगा, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से मतलब इतना दूर आना वर्थ होगा या नहीं, पर ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। मतलब फैमिली के साथ आएंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है सभी के लिए, सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी हम अंशुपा से जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा था कि पहले की यहाँ पे और एक भी प्लेस है जिसका मुझे नाम पता नहीं, तो वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज है। तो मैं एक चीज बोलूँगा कि वीडियोस तो बहुत सारे आएंगे और अच्छे भी लाने के लिए हम कोशिश करेंगे, पर मोटिवेशन चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो वीडियो को शेयर करो, जैसे कि जिनको ये सब जगह आने का मन होगा तो वो वीडियो देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से भी उनको मिल जाएगा यहाँ पे आने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे जो जगह पे बैठा हूँ ये मतलब टी टेबल जैसा है, यहाँ पे आप टी कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत सारे स्पेसेस हैं, ये भी बांबू से ही बनाया गया है। ये यहाँ का कैफेटेरिया है, यहाँ पे आप चाय स्नैक्स वगैरह खरीद सकते हैं और यहाँ पे बैठ के खा भी सकते हैं।
रहा था, उस जगह का नाम है सारंडा गढ़, पर वहाँ पे रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था तो वहाँ पे कार नहीं जा सकता, और बहुत दूर तक हम चल के भी गए थे पर मुझे वहाँ का कुछ पता नहीं था, इसीलिए हम वापस आ गए। मुझे अगर गूगल से कुछ फोटो मिलेगा वहाँ का तो मैं उसको डाल दूंगा जरूर। और मुझे जब जहाँ तक पता है कि वहाँ पे बाम्बो हाउस कुछ है, जो जैसे कि रूम्स बनाए गए हैं बाम्बो से, बाम्बो डिजाइन के, तो वहाँ पे आप रूम रेंट लेके रह सकते हैं एक दो दिन के लिए। तो जो भी डिटेल्स मिलेगा मुझे मैं उसको डाल दूंगा। सो यहीं पे हम करेंगे वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयर करेंगे तो वीडियोस में व्यूज आएंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे ऐसे ऐसे जगह जाने के लिए। सो वेट करो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।